हाय फ्रेंड्स, होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू वीडियो में। और आज मैं आपके पास लेके आया हूँ फिर से एक न्यू सक्सेस स्टोरी। मेरे साथ है आज मुकेश कुमार। एंड मुकेश ने 2018 में सीएमए क्वालिफाइड किया था। इसके बाद मैं आपको बताऊँ, इन्होंने इंटरनल ऑडिट प्रोफाइल में भी काम किया है। एंड इन्होंने लास्ट कंपनी केपीएमजी में एज ए सी पी कंसल्टेंट जॉब की थी। एंड राइट नाउ ही इज ऑल्सो वर्किंग इन वन ऑफ द इन्फोटेक कंपनी एज ए सी पी कंसल्टेंट। सो ये स्टोरी उन सारे स्टूडेंट्स जो एस ए पी में आना चाहते हैं या फिर जो अदर प्रोफाइल से प्रोफाइल स्विच करना चाहते हैं, उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड मोटिवेशनल होने वाला है। सो थैंक्स मुकेश कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आए एंड आप अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने वाले हो। आप कैसे हो? हाउ आर यू? सो आई एम गुड, आई एम फाइन। मैं बहुत अच्छा हूँ और अच्छा लगा आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आके, जहाँ मैं अपनी सीएमए की सक्सेस स्टोरी सबके साथ शेयर कर पाऊंगा। तो थैंक्स मुकेश जी। मुकेश जी, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पहला क्वेश्चन ये हमेशा रहता है कि आपका होम टाउन, आप किस शहर से सिटी से बिलोंग करते हो? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये रहता है कि सर हम छोटे शहर या हम यहाँ से हैं, क्या हम यहाँ से सीएमए कर सकते हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए? तो आप अपने जर्नी के बारे में आप थोड़ा सा बताओ कि आपने कैसे सीएमए स्टार्ट किया। तो आप कह सकते हैं कि मैं भी एक छोटे कस्बे से ही हूँ। सो ये बिलोंग करता है मध्य प्रदेश से, दैट इज द सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट। इट्स अ कोल माइन एरिया। तो मैंने अपनी मैं पढ़ाई लिखाई मैंने अपनी पूरी वहीं से की है। मैंने जो 9th 10th था, 11th 12th था, मैंने अपनी पढ़ाई वहीं से पूरी की। उसके बाद देन आई मूव आउट टू दिल्ली। जब आप दिल्ली आए तो क्या आपने सीएमए स्टार्ट किया या फिर आपने 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन भी स्टार्ट किया? हाँ, बेसिकली मैं मूव आउट हुआ था दिल्ली के लिए फॉर माय ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, ताकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ और उसके बाद मैं अपनी बीकॉम की पढ़ाई देन एमकॉम की पढ़ाई जारी। फिर मुझे पता चला कहीं रिलेटिव के माध्यम से कि सीएमए इज अ प्रोफेशनल कोर्स, जो कि आजकल काफ़ी डिमांडिंग है, काफ़ी ट्रेंडिंग है, जस्ट लाइक सीए और समथिंग सीएस उन्होंने बताया। उस समय मुझे भी कुछ ज़्यादा पता नहीं था, बट आई गूगल इट, मैंने उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी किया, देन आई फाउंड कि हाँ, ये दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स, इसे मुझे कैरी ऑन करना चाहिए, इसे परस्यू करना चाहिए। सो मैंने डिसाइड किया कि करना चाहिए। जब आपने सीएमए डिसाइड किया, देन आपका सीएमए इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था या फिर आपको चैलेंजेस आया था? बिकॉज जब 10th 12th की पढ़ाई और जब आप प्रोफेशनल कोर्स में आप इंटर करते हो तो दोनों बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट? सो क्या चैलेंजेस आए थे आपको इनिशियल स्टेज में? हाँ, डिफिकल्टी तो नहीं कहूँगा, चैलेंजेस तो थे। यू कैन से कि हम 11th 12th की जब पढ़ाई करते हैं या नॉर्मल बीकॉम एमकॉम की पढ़ाई करते हैं तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा इजी होता है। लेकिन जब आप किसी प्रोफेशनल कोर्स को परसीव करते हैं तो उस समय आपके पास कई सारे चैलेंजेस आते हैं कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है, कोचिंग करनी है, उसके बारे में आपको थॉरो नॉलेज नहीं होता है उस कैरियर या प्रोफेशन के बारे में। सो मैंने तो मुझे कोचिंग लेनी पड़ी, मैंने कोचिंग की उसकी सीएमए इंटरमीडिएट की, और फिर उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी की, फिर उसके बाद काफ़ी सारे मैंने नोट्स बनाए उस तरीके से, देन ये चैलेंजेस रहा। दूसरा तो सभी लोगों को पता होगा कि दिल्ली में रहना इट्स वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क, रह के और सर्वाइव करना, उसके साथ साथ पढ़ाई करना, सो इट चैलेंजिंग वी कैन से। आपने ग्रेजुएशन रेगुलर किया था या फिर आपने डिस्टेंस बीकॉम ज्वाइन किया विथ योर सीएमए? हाँ, तो स्टार्टिंग में तो मैंने रेगुलर के लिए इनरोलमेंट करा लिया था, बट आई फाउंड कि मेरा साइमल्टेनियसली जो है मेरा चल नहीं पा रहा है, दैट इज आई वाज आल्सो इनरोल्ड टू सीएमए कोर्स एंड आई वाज आल्सो इनरोल्ड टू बीकॉम रेगुलर वन ऑफ द कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मैंने पाया कि इट डिडेंट वर्क, सो फाइनली मैंने वहां से अपना इनरोलमेंट वो करा लिया। उसके हाँ, फिर उसके बाद मैंने SOL से मैंने इनरोल कराया, सो आई हैव परस्यूड माय बीकॉम फ्रॉम SOL, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग।
तो आपने वहां से स्टार्ट किया। अच्छा, आपने सेम ए फाउंडेशन भी फिर किया होगा, राइट? हाँ, जब 12th के बाद जब मैं दिल्ली आया, देन आई हैव स्टार्टेड माय सीएमए करियर फ्रॉम सीएमए फाउंडेशन इटसेल्फ, सो देन आपका सीएनए में फाउंडेशन फर्स्ट इंटर्नशिप. अटेम्प्ट था? यस, आई हैव क्लियर्ड इट माय फर्स्ट अटेम्प्ट. ओके। देन जब आपने इंटरमीडिएट के लिए, आपने पेपर के लिए आप गए थे, तो आप बोथ ग्रुप के लिए गए या सिंगल ग्रुप के लिए? तो मैंने तो बोथ ग्रुप के लिए ही इनरोल कराया था. सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ही बोथ के लिए कराया था, देन एग्जाम फॉर्म भी बोथ ग्रुप के लिए भरा था. बट ऐसा हुआ कि मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं हो पाई बोथ ग्रुप के लिए, सो आई हैव ऑप्टेड ओनली फॉर कि चलो ठीक है, प्रिपेयर नहीं हो पाया है, फिर भी मुझे देना चाहिए. बोथ ही ग्रुप मैंने मैंने बैठा बोथ ग्रुप के लिए, सो आई हैव क्लियर्ड ओनली फॉर वन ग्रुप. ओके। वो भी हाँ, मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग था. मुझे तो डर लग रहा था कि मैं पास भी हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, बट फाइनली 200 मार्क्स से मैं पास आउट हुआ. तो वो खुशी के लिए बात थी कि हाँ, 200 मार्क्स से मैं जस्ट पास आउट हुआ. ग्रेट। सो हाँ, आपने जो बोथ ग्रुप के लिए, जो आपने फर्स्ट टाइम स्टडी किया, तो आपने अप्रोक्स कितने मंथ आपने टाइम लिया था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए? फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जो इंस्टीट्यूट का नॉर्मली होता है कि आप पहले एनरोल 9 मंथ कराते है। हैं, हाँ। देन हाँ स्टडी पीरियड ऑफ अप्रोक्स 9 मंथ, तो उसमें 9 मंथ तो कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता, क्योंकि आप कोचिंग्स के लिए पहले फाइनलाइज करते हो कि कहाँ कोचिंग लेना चाहिए, किस टीचर से लेना चाहिए, देन कौन सा सब्जेक्ट आप सेल्फ स्टडी कर लोगे, कौन सा सब्जेक्ट के लिए आप ऑप्ट करोगे कोचिंग. सो इस डिसीजन में 1 महीना मेरा निकल गया. तो मैंने कोचिंग लिया, फाइनली ऑप्ट किया कि चलो कोचिंग ले लेना चाहिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी उतना ज़्यादा मैं कर नहीं पाऊंगा. तो मैंने कोचिंग लिया, और कोचिंग मैंने भी बोथ ग्रुप की स्टार्ट कर दी. लेकिन ऐसा हुआ कि कुछ मेरी कोचिंग के कुछ चैप्टर्स या कुछ कंटेंट हमारे बचे रह गए कुछ सब्जेक्ट्स के, इसलिए मैं फाइनली फोकस किया सिर्फ एक ग्रुप पे. तो उस तरीके से मेरा सिर्फ एक ही ग्रुप क्लियर हो पाया. ओके ओके ग्रेट। सो फिर जब आपने नेक्स्ट ग्रुप के लिए गए, तो आपने क्या एक्स्ट्रा किया? बिकॉज रिवीजन आपने कितने टाइम किए, किस एरिया पे आपने ज़्यादा फोकस किया, सो आप इस चीज़ को आप हाईलाइट करें आप। अभी जैसे बात करूं कि मेरा जब मैं फर्स्ट ग्रुप का कोचिंग ले रहा था, उसी समय मेरा आईडीटी डायरेक्ट टैक्सेशन भी मैंने फर्स्ट ग्रुप के साथ साथ ही कोचिंग कर ली थी. मेरा फोकस था इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे उस समय ज्यादा, ताकि मैं एग्जेम्पशन स्कोर कर पाऊँ. इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, आप बेटर चीजों को प्रेजेंट कर पाएंगे. तो मैंने काफी उस चीज को मैं प्रैक्टिस किया, उसको लिख लिख के क्वेश्चंस किए, और हमने प्रोविजंस को पढ़ा कि किस तरीके से आंसर राइटिंग होना चाहिए. एक्चुअली लॉ और टैक्सेशन के पेपर में यही होता है कि यू हैव टू कोट फर्स्ट प्रोविजन, देन एनालाइज द फैक्ट, देन फाइनली आपको क्रक्स लिखना होता है कि आप क्या एनालिसिस के बाद आपने क्या समराइज किया उस चीज को. ये चीज मैंने सीखा कि हाँ, आईडीटी में इनडायरेक्ट टैक्सेशन के पेपर में कम से कम मैं एग्जेम्पशन स्कोर कर पाऊँ. ऐसा हुआ कि आई हैव स्कोर्ड इन 3 पेपर्स एग्जेम्पशन इन सेकेंड ग्रुप ऑफ सीएमए इंटरमीडिएट. ग्रेट ग्रेट। सो आपके ग्रुप 2 में इसका मतलब 60% एवर मार्क्स भी गए होंगे। यस यस ओके। सो देन अब आपका आई थिंक उस समय कॉन्फिडेंस भी काफी अप हो गया होगा, जब आपके 3 पेपर में एग्जेम्पशंस आते हैं। बिकॉज सेम सिचुएशन मेरे साथ भी था, मेरे भी 3 पेपर में एग्जेम्पशंस थे, एंड सिर्फ OM का पेपर था हाँ जिसमें एग्जेम्पशंस नहीं थे मेरे पास। तो फिर आप बोथ ग्रुप के लिए गए एंड आपने ट्रेनिंग भी स्टार्ट की, राइट? हाँ मैंने फिर ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि उस समय तो ऐसा था कि 6 मंथ्स के लिए आप ट्रेनिंग करो, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर योर फाइनल एनरोलमेंट. राइट। तो मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी. आई हैव डन माई आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, यू कैन से फ्रॉम वन ऑफ द सोल प्रोप्राइटर फॉर्म. तो मैंने वहाँ पे करीबन 9 महीने की ट्रेनिंग की थी. आई हैव टेकन द सर्टिफिकेट एंड फाइनली इनरोल करा मैंने फाइनल के लिए, और फाइनल में स्टार्ट कर दिया. आपने जैसे अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपने बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन की, राइट? क्योंकि आप बोथ ग्रुप आप फाइनल आप अटेम्प्ट लिए थे। यस 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 जैसा आप कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आई था कि जैसे इंटरमीडिएट की तैयारी करते समय कि किस तरीके से पढ़ना है हमें, किस तरीके को सब्जेक्ट्स को लेके. अगर आपने पैटर्न देखा होगा तो कहीं ना कहीं जो हमारे इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स हैं
वो आपको फाइनल में उनका एक ब्रॉड वर्जन देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं उसकी जो बेसिक्स टर्मिनोलॉजी होते हैं, बेसिक कंटेंट होता है, वो आपके इंटरमीडिएट से ही लिंक्ड होते हैं। तो वो चीज एक कॉन्फिडेंस दिलाने वाला पार्ट होता है। इंटरमीडिएट को सही ढंग से पढ़ लिया आपने, हर एक क्वेश्चन को किया हुआ है, हर एक क्वेश्चन को एक एक दो दो बार किया हुआ है, रिविजन अच्छे ढंग से किया है, तो आपका फाइनल भी उसी तरीके से आप उन चीजों को सीखते हो और वहां पे करते हो। मैंने सेल्फ स्टडी की, प्रिपेयर किया, और मैंने फाइनली बोथ ग्रुप में भी, मैंने दोनों ग्रुप के लिए मैंने एग्जाम में इन्वॉल्व भी किया और मैंने बोथ ग्रुप के लिए एग्जाम भी दिया। सो फाइनल में आपको कितने मार्क्स बने थे बोथ ग्रुप में? अप्रोक्स कुछ परसेंटेज याद है हाँ, इट्स 60 अबव%, बट फाइनल दो में? अटेम्प्ट लगे मुझे, जैसा कि मैंने, ओके हाँ दो अटेम्प्ट लगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसा मैं बता रहा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बोथ ग्रुप दिया, बट क्लियर मेरे फर्स्ट ग्रुप के 4 पेपर्स तो क्लियर हो गए, बट सेकेंड जो था, यू कैन से कि जो फोर्थ ग्रुप था फाइनल का, उसमें सिर्फ मेरा लॉ का पेपर ही एग्जेम्प्ट हुआ था। इट्स 61 मार्क्स, बट 3 वेयर रिमेनिंग, ओके तो उसको मैं दोबारा नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसको मैं क्लियर कर पाया। सो दो अटेम्प्ट मेरे इंटरमीडिएट में भी लगे, दो अटेम्प्ट फाइनल में भी लगे। ओके सो आफ्टर कंप्लीटिंग योर CMA फाइनल, नाउ इट्स टाइम फॉर कैंपस। सो फिर आपका कैंपस में किन कंपनीज में शॉर्टलिस्टिंग हुई और कैसा रहा आपका कैंपस जर्नी? कैंपस में सो वी ऑल हैव द ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जो हमारे इंस्टीट्यूट, हमारा NIRC हो गया, या फिर जितने भी रीजनल काउंसिल हैं, सबके यहाँ ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी होता है। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में काफी चीजें मिली सीखने को, कि इंडस्ट्री रिलेटेड क्या होता है, कैसी चीजें, आप इंडस्ट्री में जाते हो या फिर आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो या फिर प्रैक्टिकल प्रैक्टिकलिटी में जाते हो कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे कैसा एक्सपोजर मिलता है, क्या सीखते हो कहीं ना कहीं। जो हमारे मेंटर वहाँ पे आपको 7 डेज या 8 डेज के लिए मिलेंगे, वो अलग अलग चीजों के बारे में फोकस करते हैं। कोई कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बताता है, तो कोई आपको इन डेज के बारे में बताता है, कोई कंपनी डेट के बारे में बताता है, या जो लेटेस्ट सिनेरियो, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स वगैरह थे उनके बारे में, या कोई ट्रेंडिंग न्यूज है आपको फाइनेंस या फिर आपका इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं उनका जिक्र होता है। तो आपको लॉट ऑफ नॉलेज यू हैव टू यू फाइंड इट, कि मतलब कि मुझे जो बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है वहां पे भी, एक्सपोजर मिलता है कहीं ना कहीं। तो सब में मुझे लगता है सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। और उसके बाद आपका आता है कैंपस प्लेसमेंट के लिए, सो उसमें शॉर्टलिस्टेड। आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। हाँ, शॉर्ट लिस्टिंग होता है, आपको मेल रिसीव होता है कि यू हैव बीन सक्सेसफुली शॉर्टलिस्टेड इन दिस 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 कंपनीज। तो आपको कुछ, उसके बाद आपको कुछ क्रेडेंशियल्स भेजने होते हैं, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन भेजनी होती है, अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स, देन ट्रेनिंग डिटेल्स, या फिर आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है तो आप शेयर करते हैं उनके साथ। देन फाइनली आपका डे आता है जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। सो आई थिंक ये 3 दिन का रहा है मेरे साथ, तो राइट ऐसा रहा कि 3 दिन का रहा। हाँ, 3 दिन में एक दिन का ऐसा रहता है क्राइटेरिया कि PSU या PSU बैंक आएंगे, दूसरे दिन प्राइवेट सेक्टर्स आएंगे, तीसरे दिन MNCs वगैरह कुछ समथिंग, इस तरीके से इंस्टीट्यूट डिसाइड कर लेता है अपना। सो हाँ, तो मैं कहीं ना कहीं आई थिंक कि अभी तो मुझे कंपनी के नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे हैं, बट आई थिंक कि 2 PSU में मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था। एक इंसेक्टिसाइड्स समथिंग फर्टिलाइजर्स लिमिटेड था, ओके उसमें मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था। देन वन ऑफ द टाटा पावर, और इन ये दो कंपनियों का मुझे नाम याद आ रहा है क्योंकि मैं इन्हीं दोनों कंपनीज में बैठ पाया था। ओके बिकॉज आप देखोगे थोड़ा सा चैलेंज कहाँ है, जब आप इंटरव्यू वहां देने के लिए कैंपस में शॉर्टलिस्ट होते इंटरव्यू। हो, तो होता, हाँ होता क्या है कि ऑलरेडी किसी कंपनी में आपका दूसरे में चल रहा है, कहीं रिटेन हो रहा है, कहीं GD आपका मिस हो गया। सो ऐसा मेरे साथ हुआ कि अगर मैं LNT का, सो अभी याद आया मुझे LNT का, सो LNT में जब मैं रिटेन दे रहा था, देन मुझे कॉल आया कि आपको GD के लिए बुला रहे हैं, तो मैं मिस कर गया, जो PSU वाली GD थी उसको मिस कर गया। सो आपके साथ ऐसा भी हो सकता है। तो आई वॉज वेरी अनलकी कि मेरा कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो नहीं पाया, जबकि मैं 6 कंपनी में शॉर्टलिस्ट था, लेकिन मुझे 2 से 3 कंपनी में ही मुझे मौका मिल पाया, आइदर GD और आइदर रिटेन। रिटेन पर PI तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाया, पर्सनल इंटरव्यू तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाया।
सो मे बी कि मतलब मुझे उतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पहले का नहीं था। सो मैं तो कभी कभी ये भी रिकमेंड करता हूँ बच्चों को कि आप ऑप्ट कर सकते हैं अपनी 3 इयर्स की ट्रेनिंग के लिए पहले, ताकि आपको कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स मिल जाए, आप प्रैक्टिकलिटीज को समझ जाए, ताकि जो कैंपस में जो हमारी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन या PSUs पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो आपके साथ क्या क्वेश्चन पुटअप करने वाले हैं, वो आपको बेटर एक नॉलेज मिलता है उससे। सो आप उसके लिए आंसर कर सकते हैं कि हाँ ये चीजें मैंने सीखी हैं, ऐसे ऐसे होता है। राइट जब आपका कैंपस नहीं हुआ, देन आपने अपनी फर्स्ट जॉब ऑफ कैंपस जो आपने स्टार्ट की वो किस प्रोफाइल में स्टार्ट की? मैंने स्टार्ट की इंटरनल ऑडिट में। तो ये रेफरेंस मेरे एक फ्रेंड ने दिया कि एक फॉर्म है, सो इट हैज गॉट वन असाइनमेंट ऑफ PSU। ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, सेंट्रल PSU थी। यू कैन मैं नाम भी मेंशन कर सकता हूँ, यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड का था। सो कोल इंडिया लिमिटेड का मुझे इंटरनल ऑडिट का ऑफर आया कि ये एक फॉर्म है जिनको मिला हुआ है असाइनमेंट, क्या आप करना चाहोगे? तो मैंने बोला ठीक है, मैं ऑप्ट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहां मुझे काफी चीजें लर्न करने को मिली कि कैसे होता है एक्चुअली। इंटरनल ऑडिट मुझे लगता है कि सबको कहीं ना कहीं अपने जो 3 इयर्स का जो आपका वो ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग पीरियड पीरियड होता है उसमें, हाँ उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लगभग 9 से 12 महीने लोगों को जरूर बिताना चाहिए इंटरनल ऑडिट में, क्योंकि आप बीइंग इंटरनल ऑडिट आप कई सारी चीजें लर्न करने करते हो उसमें। आप बिजनेस प्रोसेस सीखते हो, जो इंटरनल आपके डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, या फिर इंटरनल कैसे अकाउंटिंग हो रही है, या फिर कैसे इंटरनल खुद उनकी टीम ऑडिटिंग कैसे फर्स्ट टाइम करती है, या फिर कैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन को पोस्ट कैसे कर रही है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को कैसे फॉलो कर रही है, तो काफी चीजें आपको लर्न करने को मिलती हैं। और ये आपको ये क्वेश्चन था कि आपने अप्रोक्स कितने पीरियड इस प्रोफाइल में आपने जॉब किया था इंटरनल ऑडिट के प्रोफाइल में? सो 3 इयर्स मेरा ड्यूरेशन पूरा पूरा वहीं से रहा, इंटरनल ऑडिट। जब आप इंटरनल ऑडिट में थे एंड देन आई थिंक यू गॉट कॉल फ्रॉम KPMG, राइट? यस 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 जो फॉर्म का टेंडर था दैट वाज फॉर 3 इयर्स। सो आई हैव डिवोटेड माय 3 इयर्स इन इंटरनल ऑडिट। उसके बाद मैंने अप्लाई किया, मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल पे थोड़ा अपडेट किया कि मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है इस तरीके से, लिंक्डइन और naukri.com पे। सो आई थिंक लिंक्डइन से ही किसी ने देखा कि मेरे प्रोफाइल को देखा होगा। उसके बाद मुझे वहां से कॉल आया कि यू है आप मेरे पास अपॉर्चुनिटी है KPMG में काम करने के लिए, तो क्या आप इंटरेस्टेड हो? सो आई सेड कि यस। लेकिन मुझे उस समय काफी एक्साइटमेंट हुआ कि कैसे हो सकता है कि ये बिग फोर से मुझे कॉल आया इस तरीके से। मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हुआ थोड़ा बहुत, काफी नर्वस भी था। फिर मैंने इंटरव्यू भी दिया, उसके बाद मुझे फर्स्ट राउंड में तो ऐसा लगा कि मैं गया मुझसे कुछ होगा नहीं, कुछ हुआ नहीं ढंग से, जिस तरीके से मैं प्रिपेयर किया था उस तरीके से हुआ नहीं। बिकॉज मैं प्रिपेयर करके बैठा था इंटरनल ऑडिट, मुझे क्या था कि मैंने कंपनी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया कि हाँ KPMG में इंटरनल ऑडिट भी होता है, टैक्सेशन अकाउंटिंग भी होता है, बट आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट SAP इम्प्लीमेंटेशन, जो स्टेप आजकल जो IT सेक्टर में चल रहा है, जिसमें हम फाइनेंस ग्रेजुएट्स या फाइनेंस प्रोफेशनल्स भी आजकल काफी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो मुझे आइडिया नहीं था। सो दे हैव स्टार्टेड इंटरव्यूइंग फॉर दैट SAP, आपने SAP पे काम किया है, आपका कितना ईयर का एक्सपीरियंस SAP में रहा, इंटरनल ऑडिट के समय आपने SAP में से भी काफी चीजें रिपोर्ट जनरेट किया होगा अकॉर्डिंगली, रिपोर्टिंग के लिए, ऑडिटिंग के लिए। तो इस तरीके से मेरा इंटरव्यू हुआ। लेकिन मैंने काफी सारे मेरे से बिजनेस प्रोसेस पूछे गए, P2P, O2C, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, तो मैंने चीजों को डिटेल में बताया उनको। तो मुझे लगता है वहां से उन्होंने समझा कि हाँ इनको बिजनेस प्रोसेस की तो नॉलेज है। तो मुझे सेकेंड राउंड के लिए आया कि अब HR राउंड होगा, देन डायरेक्टर राउंड होगा। तो उस तरीके से HR राउंड तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। HR राउंड में थोड़े मोड़े क्वेश्चन पूछे गए उस तरीके से, फिर डायरेक्टर राउंड आया, तो क्लियर हो गया। फाइनली आई हैव गॉट ऑफर लेटर फ्रॉम देम। जस्ट एक फिगर जानना चाहते हैं कि अगर किसी पर्सन को जो नॉन ACP बैकग्राउंड से है और उसको ACP में अगर एंट्री देते हैं बिग फोर वाले, तो क्या पैकेज रेंज ऑफर करते हैं वो? एक आप रेंज बता सकते हैं?
अगर आप सीएमए ग्रेजुएट सीएमए प्रोफेशनल आप करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 7 to 9 का आपको पैकेज ऑफर कर सकते हैं। अगर आपका कोई बैकग्राउंड एसएपी में नहीं है फिर भी, क्योंकि उनको पता है कि आप सीएमए करके आए हो, आप फीको मॉड्यूल को इजिली समझो के अच्छे से कर सकते हो आप, और आपने प्रोडक्ट कॉस्टिंग की है, आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा हुआ है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपने पढ़ा हुआ है, जो कि फीको मॉड्यूल में कहीं ना कहीं ज्यादा हेल्प मिलता है, तो आपको 7 to 9 अप्रॉक्स का आपको ऑफर इन हैंड मिल जाता है। ओके, सो मेरा क्वेश्चन है कि आपको पहले एसएपी का इतना आइडिया नहीं था, तो जब आप एसएपी फील्ड में गए तो स्टार्टिंग में आपको क्या चैलेंजेस आया था? हाँ, चैलेंजेस तो काफी सारे आए थे। एज यू सेड कि बिग फोर है, तो बिग फोर में काफी सारे आपको फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ थोड़े दिन में तो आपको बेसिक ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, जो कि आपको एक जनरल ट्रेनिंग होती है इंडिपेंडेंस से रिलेटेड, या फिर काफी सारी चीजें रिलेटेड होती हैं डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड। उसके बाद आपको फर्स्ट डे से ही काम अलॉट कर दिया जाएगा कि ये आपको करना है, इस तरीके से करना है, और उसमें हो सकता है कि आपको सीनियर की हेल्प भी ना मिले, हो सकता है आपको खुद उसको गूगल आउट करना पड़े या फिर रिसर्च करना पड़े कि ये काम क्या है, कैसे होगा, और फाइनली आपको उस चीज को एग्जीक्यूट करना है। अगर नहीं एग्जीक्यूट हुआ देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, एग्जीक्यूट हुआ वो ढंग से नहीं हुआ देन आल्सो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बिग फोर का नाम है अगर तो काम भी है, और वहां पे लाइफ तो कहीं ना कहीं लोगों को देखने में, दूसरे लोगों को देखने में लगती है कि क्या लाइफ जी रहा है बिग फोर में जी रहा है, बट आई से कि ठीक है, स्ट्रेस भी होता है बट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज काफी सारी हैं। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में अगर कहूँ तो काफी सारी हैं। अगर आपको सीनियर से सपोर्ट है, गाइडेंस है, आप चीजों को अगर लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, देन से कि अपॉर्चुनिटीज तो काफी सारी हैं। आप कम शॉर्ट ड्यूरेशन में, कम पीरियड में काफी चीजें आप सीख जाते हो। ओके, सो आपने उसी टाइम अपने मेरे से कनेक्ट भी किया था एंड आपने भी इरशाद सर से अपने क्लासेस ज्वाइन हाँ की थी, हाँ राइट? यस 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 तो हुआ यूं कि मुझे फर्स्ट डे से ही उन्होंने बोला था कि फीको मॉड्यूल के लिए आप लोगों को हायर कर रहे हैं। जब मेरे इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने बताया था कि फीको मॉड्यूल के लिए, बट मुझे उसके बाद सीओ मॉड्यूल फर्स्ट डे से अलॉट कर दिया गया। सीओ मॉड्यूल, FI CO जो है उसमें दो मॉड्यूल हैं, सब मॉड्यूल्स हैं, यू कैन से कि FI इज द डिफरेंट एंड CO इज द कॉस्टिंग या और कंट्रोलिंग इज द डिफरेंट। सो कंट्रोलिंग थोड़ा सा मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा डिफरेंट लगा, या फिर थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग लगा, चैलेंजिंग तो सबके उसमें लिए मुझे है। कोई, हाँ, कोई प्रायर एक्सपीरियंस भी नहीं था, बट फर्स्ट जैसे ही मुझे बोला गया और मुझे ग्रीनफील्ड इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट भी बना दिया गया। आई वाज द टीम मेंबर ऑफ द ग्रीनफील्ड, वन ऑफ द ग्रीनफील्ड इम्प्लीमेंटेशन। तो वहां पे बेस लाइन कॉन्फिग्रेशन से लेके आपको उसके बाद यूनिट टेस्टिंग से लेके हर चीज आपको करनी है। हाँ, रिक्वायरमेंट गैदरिंग ऑलरेडी सीनियर्स ने कर ली थी, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन है, यूनिट टेस्टिंग है, फिर उसके बाद SIT टेस्टिंग है, उसके बाद UAT करानी है, वो सब कहीं ना कहीं हमें खुद करना था, तो काफी चैलेंजिंग रहा मेरे लिए वो। तो देन फिर आपने इरशाद सर से अपने क्लासेस हाँ कंट्रोलिंग की ज्वाइन की, यस राइट? यस तो हाँ, उसके बाद मैंने शायद बीच में, जैसे आपने बताया था कि मैंने आपसे कनेक्ट में मैं रहा, बीच बीच में मैं राइट, आपको कॉल करता था अचानक से, मैंने बताया आपको, पहले मैं बताया नहीं था आपको कि मैं SAP प्रोफाइल में काम कर रहा हूँ, बिकॉज कि जैसे ही मैंने बताया आपको तो आपने बताया कि आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन SAP प्रोफाइल ऑल्सो। सो इस तरीके से हमारी बात हुई, फिर आपने सजेस्ट किया कि मोहम्मद इरशाद सर करके हैं और आपके कहीं ना कहीं होम टाउन के बगल से वो भी बिलोंग करते कलकत्ता। हैं, तो हाँ, आप उनसे एक बार लेके देखो, वो कहीं ना कहीं आपके भी मेंटर रहे हैं SAP को लेके। राइट, सो मैंने भी उनसे क्लासेस ली, तो FI का बेसिक भी सर ने काफी अच्छे से ढंग से समझाया, जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती हैं, क्योंकि आप CO, जब तक FI का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा तब तक आप CO स्टार्ट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। सो कंट्रोलिंग मॉड्यूल भी काफी सारा सीखने को मिला कंट्रोलिंग मॉड्यूल में सर से, चाहे आपका प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग हो, कॉस्ट एलिमेंट सेटिंग्स हो, उसके बाद आपका प्रोडक्ट कॉस्टिंग हो, कॉन्फ़िगरेशन, कोपा रिपोर्टिंग हो, तो काफी चीजें सर से भी सीखने को मिली। सो ही वाज आल्सो द वन ऑफ माय मेंटर इन माय दिस SAP जर्नी, तो आल्सो क्रेडिट गोज टू हिम आल्सो। ओके, सो देन आपने बिग फोर आपने रिजाइन भी किया, राइट?
सो एंड राइट नाउ यू आर आल्सो वर्किंग एज एक एएसएपी महीने पहले कंसल्टेंट. ही, या एक महीने मैंने पहले ही किया, वहां मैं एज एन एसोसिएट कंसल्टेंट मैं काम कर रहा था, एसएपी एसोसिएट कंसल्टेंट। बट जैसा मैंने आपको मेंशन किया अभी कुछ देर पहले कि काफी स्ट्रेस होता है आपकी हेल्थ जो चैलेंजेस प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, या हाँ प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में काफी डिस्टर्बेंस आने लगती है, कई सारे हेल्थ इश्यूज भी आने लगते हैं, क्योंकि आपको लेट नाइट या लेट आवर्स तक आपको डिवोट करना है, आपका लंच या डिनर टाइम पे नहीं हो पाता है। सो हेल्थ इश्यूज आने लगे मुझे, और कुछ एक दो पर्सनल रीजंस भी थे मुझे उसको छोड़ने का, क्योंकि मैं खुद चाहता था कि एक नए सिरे से मैं स्टार्ट करूं, जहां पे फ्रॉम वेरी बिगिनिंग मैं चीजों को स्टार्ट करूं, और सीखने के बाद अगर मुझे दोबारा विक्टोर में जाने का मौका मिलेगा तो देन आई विल डेफिनेटली परस्यू। ओके. सो राइट नाउ आप मतलब एसएपी एज ए कंसल्टेंट जो आप काम कर रहे हो तो आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, मैं वही कहना चाहूंगा अपने सारे सीएमए प्रोफेशनल्स को कि कहीं ना कहीं हम अपने ही उन जो हमारे फाइनल में 8 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, हम उसमें कहीं ना कहीं उसमें बंद के रह जाते हैं कि हाँ यही कहीं ना कहीं सीएमए का एक स्कोप है। मैं बोलूंगा नहीं, उससे कई गुना आगे है, आप चीजों को एक्सप्लोर करो, चीजों को नई नई चीजों को सीखो, मार्केट में क्या चीजें नई नई डिमांड ट्रेंडिंग है उनको आप ग्रैस्प करो, या फिर नए नए स्किल सीखो। जैसे कि आप अगर एसएपी के सर्टिफिकेशन कर लेते हैं, कुछ टेक्निकल स्किल सीख जाते हैं, देन आपका जो पैकेज है वो बूम करता है, काफी ज्यादा बूम कर जाएगा। और एसएपी में तो ऐसा भी है कि अगर आप 1 और 1.5 ईयर्स के अगर आप एक्सपीरियंस हो गए, आप जंप कर सकते हैं सीधा 1.5 गुने पैकेज पे। तो कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर ग्रोथ कर रहा है, और आईटी में हमें नई नई स्किल सीखनी चाहिए, और मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है ये एसएपी में आके। मैं दिन पर दिन कुछ नई नई चीजें सीख रहा हूँ, पहले मैं सीओ का सिर्फ सीखता था, एफआई भी मैं सीख रहा हूँ, तो एफआई का भी काफी चीजें मैंने सीखी, और लर्निंग अभी जारी है, अभी तो जर्नी ही मेरी जारी है एसएपी को लेके। सो जर्नी के साथ साथ लर्निंग भी जारी है। थैंक यू, आपने बहुत कुछ बताया बच्चों को. ओके ओके।